अस्सलाम वालेकुम, वेलकम यूट्यूब माय चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ मैं। आज मैं बनाऊँगी फ्राई माश की दाल। माश की दाल ले ली है मैंने 1/2 kg। इसे मैंने भिगो के रखा है तकरीबन 1 घंटा, ठीक है। और इसके लिए मैंने ले लिए सब्ज़ मिर्चें, 5 सब्ज़ मिर्च ली हैं, और सब्ज़ धनिया लिया है मैंने, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, अदरक छोटा छोटा थोड़ा सा मैंने काट के भी रख लिया है, नींबू लिए हैं 3, कुकिंग ऑयल लिया 1/2 कप, प्याज लिए हैं मैंने ग्राइंड कर लिए 3, मैंने प्याज लिए हैं, टमाटर भी मैंने ग्राइंड कर लिए 2, मैंने प्याज लिए हैं, मिर्च लिए खाने का 1 चम्मच, नमक लिया 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी लिया है, 1/2 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, और 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया पूरा, ठीक है। बिल्कुल VIP होटल जैसा जायका होगा इंशाल्लाह। आज हम घर पे बना के खाएंगे दाल माश, जैसे आप बाहर जाके खाते हैं वैसे घर पे बनाएं। तो बनाना शुरू कर लेते हैं जी। पहले मैंने डाल लेना गेहूँ कुकिंग ऑयल, दाल माश बहुत मज़े की बनती है। पहले मैं डालने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर, अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ साबुत जीरा, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। अब इसमें डालने लगी हूँ प्याज, प्याजों को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट ऐसे भुनाई करूँगी प्याजों की ताकि ब्राउन हो जाए थोड़े थोड़े। रोज़े माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, अल्लाह सब के ऐसे गुजारे अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ टमाटर, टमाटर डाल दिए, टमाटर डाल के अब 1 से 2 मिनट फिर भुनाई कर लेंगे इसकी। जितना ज़्यादा आप मसाले की भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा जायका आएगा। ये देखें माशाल्लाह कैसे अच्छे तरीके से भुनाई हुई है। देखें ये छोड़ दिया टमाटर और प्याज़ों ने। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगाऊंगी मसाले की भुनाई होने के लिए।
पानी इसके लिए लगा रही हूँ ताकि नमक मिर्च डाली है ना इनकी बनाई हो सके अच्छे तरीके से मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कैसे माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आ रहा है। देखिए कलर बहुत अच्छा आ रहा है माशाल्लाह और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए मसाले की बुनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ माश की दाल। बिस्मिल्लाह जितनी ज़्यादा दाल भी गई उतनी ही मज़े की बनेगी। मसाले के अंदर मिक्स करने लगी हूँ अच्छी तरीके से। अब इसमें थोड़ा सा पानी लगा देती हूँ बिस्मिल्लाह ताकि दाल जो है ना हमारी गल जाए। अब मैंने पानी लगा दिया इसके अंदर। अब मैं 10 मिनट के लिए इसे ढक देती हूँ ठीक है हल्की आंच पर। तो ये देखें तकरीबन मुझे 5 मिनट हो चुके हैं इसे रखे हुए। बस 5 मिनट और लगेंगे तो ये तैयार हो जाएगी। तो ये देखें जी दाल पक चुकी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। आज की रेसिपी बहुत मज़े की है माशाल्लाह। आपने इसको ट्राई भी करना है फिर देखना कितने मज़े की बनती है ये। आपको यकीनन पसंद आएगी। ये देखें जी हो चुकी है मुकम्मल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ सब्ज़ मिर्चें। इस तरह से अब इसमें डालने लगी मैं सब्ज़ धनिया। अब इसको थोड़ा मिक्स कर देती हूँ। इसमें अब डाल रही हूँ नींबू। इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका थोड़ा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर और बहुत मज़े की लगती है ठीक है। अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ कटा हुआ अदरक। तो ये देखें चुका है मुकम्मल। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना भी ख्याल रखें अपने प्यारों का भी ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।